देखते रहिए UVN0@बड़वानी से विजय कुशवाहा की रिपोर्ट। 43वें दिवस सुश्री मेगा पाठ करने किर्मिक अनशन करवाया समाप्त, आगे की बनाई रणनीति। नर्मदा बचाओ आंदोलन की सुश्री मेगा पाठ कर पहुंची ग्राम कड़माल। के साथ जुड़ा रहेगा, इंदौर की झोपड़ पट्टी में नहीं जाएगा। अपने आवास के साथ पानी हो, रास्ता हो, निकासी हो, चरागाह हो, धनगर समाज के लिए, मवेशियों के लिए और अपने सब के लिए एक न एक दिन जाना है वो स्मशान घाट हो। वो हर चीज जब तक नहीं होती है तब तक अपने गांव में डटे रहेगा, तो ये जीत निश्चित है जी। पिछले साल इसी दिन जी प्रधानमंत्री जी ने सरदार सरोवर का उद्घाटन और राष्ट्र के नाम लोकार्पण करना किया था। अच्छा, ऐसा जाहिर हुआ था। अच्छा, लेकिन क्या बांध पूरा हुआ है? केवल दीवार पूरी होना बांध को पूरा नहीं माना जा सकता। अच्छा, जबकि नहरें हजारों किलोमीटर की नहीं बनी है, खास करके कच्छ में नहीं बनी है। और अभी थोड़ा सा पानी छोड़ा गया है, पर नहर से पानी लेने के लिए मजबूर गुजरात के किसानों की गिरफ्तारी साल भर में हुई है। विस्थापितों के वसाहत में गुजरात के पानी नहीं है, जो सब पधारेंगे कल। यहाँ मध्य प्रदेश में 35,000 से अधिक परिवार डूब क्षेत्र में आज भी है। हजारों को घर प्लॉट पिछले साल मिला है। अच्छा। हजारों ने घर बांधना शुरू किया है, तो हजारों हजार बाकी भी है। अच्छा। और ऐसी स्थिति में कल एक साल पूरा होते हुए हम इस बांध की सच्चाई, क्या खोया क्या पाया, अच्छा, सरदार सरोवर के एक साल में, अच्छा, इसको जाहिर करते हुए और गांव जिंदा है, अच्छा, इसका परिचय देते हुए जी, जिन बच्चों की शाला छूटी है जी, पट्टी एक प्रकार से फोड़ी गई सरकार से, अच्छा, उनको भी सामने गवाह रखते हुए, अच्छा, जल सत्याग्रह करेंगे छोटा, अच्छा, बड़दा में अंजड़ में छोटी सी रैली। अच्छा, कितने बजे रैली प्रारंभ होगी कल? 10 बजे के बाद। 10 बजे और फिर छोटा बड़दा में सत्याग्रह होगा। अच्छा। और घंटों तक सैकड़ों लोग सत्याग्रह में शामिल होंगे। अच्छा। बाकी घाट पर अपना सत्याग्रह जारी। अच्छा, धन्यवाद। बताइए, आज ये कड़माल में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का क्रमिक अनशन संपन्न हुआ है, इसके विषय में बताएं। आज ये कड़माल में जो हाँ जो हमने सरकार को ये दिखाया है जी कि आज भी हमारा गांव जिंदा है। अच्छा। सरकार ने कई 32 साल पूरे हो चुके हैं, 33वां साल चल रहा है, लेकिन सरकार गांव को बचा नहीं पाई। इसलिए सरदार सरोवर जो हम मान रहे कि अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्यों कि ये गांव जैसे कि वैसे बसे हैं, इनका पुनर्वास नहीं हुआ। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी घोषणाएं की पेपरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि हम प्रभावितों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। कई घोषणाएं तो बहुत की, लेकिन उसका अमल नहीं हुआ।